सत्य अगर बलवान है तो असत्य को ताकत कहाँ से मिल जाती है? सत्य अगर भगवान है, बलवान है हाँ, तो असत्य को ताकत कहाँ से मिलती? जो सत्य है अपन को कहते हैं हम सच्चे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठी है हमारे मुकाबले, तो वो झूठ कहते हैं या सच कहते हैं? है झूठ कहते हैं ना, वहीं से ताकत आ जाएगी, झूठ को भी ताकत आ जाती है। खुद झूठ हैं और कहते हैं हम सकते हैं, तो अंदर जो निश्चय बैठा हुआ है वो निश्चय उनको ताकत दे देता है। लेकिन सदाकाल की ताकत नहीं हो सकती, सदाकाल की ताकत है एक शिव बाप में है, वो कभी झूठा नहीं बनता क्योंकि त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसीलिए पूर्व जन्मों की बात भूल जाती है। मृत्यु एक ऐसा कड़ा एक्सीडेंट है जिससे दुनिया में कोई का सर फट जाता है, खोपड़ा फट जाता है और किसी तरह डॉक्टर लोग उसे जीवित कर लेते हैं, लेकिन पहले की सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसे ही मृत्यु एक एक्सीडेंट है जिसमें पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि मनुष्य आत्माएं सब संग के रंग में आकर के झूठी बन जाती है और झूठों का हुजूम बढ़ता जाता है या घटता है, और कलयुग में तो ये खास गायन है, संगौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है, जैसे इस्लाम धर्म विधर्मियों और विदेशियों के बीच में इस्लाम धर्म सबसे पुराना और सबसे पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि उनका संगठन बड़ा मजबूत है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे उनकी बुद्धि काबा में ही रखी रहेगी। काबा को ही वो सर्वोच्च शिखर मानते हैं, वहां सब जाकर के इकट्ठे होते हैं। तो संगठन की शक्ति जास्ती होने के कारण दुनिया में जो भी हिस्ट्री है राजाओं की, उस हिस्ट्री में उन इस्लामियों ने इस सारी दुनिया पर राज्य किया है। क्या सच्चे हैं? हैं? सच्चे तो नहीं है। देवहन की शक्ति है या आत्माभिमान की शक्ति है? देवहन की शक्ति है। देवहन में भी जो इंद्रिय बड़ी प्रबल है वो पावर उनके अंदर है, जिस पावर के कारण वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं, सारी दुनिया पर उनका राज्य हुआ। तो देखो देह झूठी है, देह की वो कर्मेंद्रियां भी झूठी हैं नंबर वन, परंतु फिर भी उस झूठ की ताकत चलती है या नहीं चलती है? 2500 साल चलती है। तो कौन सी ताकत है वो? है? अरे
अभी तो बताया संगठन की शक्ति,